Hey guys, welcome back to my one block, guys. So, आज guys, हम लोग बनाने वाले हैं अपने लिए एक हाउस. सही पकड़े हैं. अभी मुझे पता है तुम लोग कहोगे भाई तूने हाउस तो बना लिया, बट गाइज यहाँ पे जो मैंने वो पिछले वाला अपना हाउस बनाया था, ये वाला ऊपर वाला, तो यहाँ पे गाइज ये हाउस कम और अपना स्टोरेज एरिया ज्यादा लगता है यार. इसीलिए मुझे क्या है ना कि यहाँ पे मैं अपनी बेड रखने तक की जगह नहीं है भाई यहाँ पे. सो इसीलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे एक दूसरा घर बना लेना चाहिए अपने लिए, ताकि यहाँ पे मैं अपना सामान रखूंगा और घर होगा अपना दूसरी तरफ. ओके ओके. और मेरी प्यारी मुर्गी कहाँ है? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है. मेरी मुर्गी कहाँ गई? और इसका पंख यहाँ पे क्या कर रहा है मुर्गी का? और पिछली वाली वीडियो में मैंने कमेंट पढ़ा था तो ये मेरी उसको मारने के लिए भाई मेरी मुर्गी मार दी भाई इसने. यार मेरे को ये क्यूट क्यूट करके मैंने इसको रखा था, इसने मेरी मुर्गी मार दी इसने. अभी तेरी एक ही सजा है भाई. नहीं 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 सॉरी, ये नहीं, माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ. अभी तू जाएगी नीचे फिर से जैसे पहले था, अभी मैं तेरे को रेस्क्यू नहीं करने वाला यहाँ पे. अभी तू नीचे जा चल. नहीं, मैं तोड़ दूंगा पूरा एरिया. बंद करो हाथ जोड़ के. मैं नीचे जा चल. मेरी क्यूटी पाई मुर्गी मार दी भाई इसने. एंड यहाँ पे हम लोगों को मिली है एक हार्ट वाली चेस्ट गाइज, जिसके अंदर हमेशा की तरह मैंने कुछ नहीं देखा है, कुछ भी नहीं देखा है सीरियसली. चल झूठा. तुम लोग देख सकते हो, मैं तुम लोगों को पता है मैं कितना ज्यादा अच्छा आदमी हूँ. मैंने बिल्कुल नहीं देखता गाइज, मैं बिल्कुल नहीं देखता. हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है. एंड तुम लोगों को भी दिखा देता हूँ. तो यहाँ पे मिला है हम लोगों को एक स्पोनर. Yes, monster spawner, and इसके अंदर है एक skeleton का egg and काफी सारी हड्डियां. And guys, यहाँ पे अपना ये भी change हो चुका है, okay? ये अपना fourth stage पे आ चुका है, I think, जिससे मुझे काफी सारा यहाँ पे desert वाला आइटम मिले जा रहा है कब से. तो guys, यहाँ पे मैं totally काम अपने spruce की wood से करने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो भाई spruce की मतलब बहुत ज्यादा है अपने पास डिमांड. तो यहाँ पे काफी सारे स्प्रूस होने की वजह से मैं यहाँ पे इसी से अपना वो बनाने वाला. तो गाइज वीडियो के बीच में आने के लिए सॉरी, बट यहाँ पे गाइज तुम लोग अगर अभी तक वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना. और हाँ, नाइट का वक्त होने वाला है, ओके? तो नहीं करोगे तो तुम्हारे घर पे भूत आएगा, फिर मुझे मत कहना, इसीलिए फटाफट से कर दो. बाय. भूत भूत तो बाद में आएगा, पहले मैं सो जाऊं भाई यहाँ पे, वरना ज़ॉम्बी सजाएंगे भी. इसी बात पे हक दिए बे. ओके, तो अब भी गाइस क्या करते हैं, अब भी यहाँ पे ले लेते हैं अपना कबल स्टोन, जिससे बनेगा अपना इसका प्लेटफॉर्म. ओके, और इसको मैं इस तरफ बनाने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा दूर बनाएंगे, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर ये अपना प्लेटफॉर्म बन चुका है, थोड़ा घूमने फिरने लाया. ब्लॉक्स कम पड़ गए गाइज. भाई ये काम कितना ज्यादा बोरिंग काम है भाई, करते हुए भी मेरे को जोर आ रहा है इसको. अब भी यहाँ पे जितनी भी मेरे पास स्प्रूस की वुड है ना, वो सारी लेने वाला हूँ मैं, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफी सारी लगने वाली है मुझे सीरियसली. तो यहाँ पर मैंने अपने स्टोरेज एरिया के अंदर भी रखी हुई है स्प्रूस, तो देखते हैं कहाँ पर है. ओके, ये देखो काफी सारी पड़ी हुई है यहाँ पे. अभी बनाना चालू करते हैं अपने घर को. अभी तुम लोगों में से बहुत से लोगों का सवाल यही होगा कि भाई तू इसको हाफ स्लैब पे बनाता, मतलब इससे थोड़ा सा नीचे करके बनाता, एक ब्लॉक के जैसे दो वो होते हैं ना लेयर, तो इसके नीचे वाले लेयर पर लगा के बनाता. बट भाई मेरे को इसलिए नहीं बनाना था वो, क्योंकि गाइस उसके ऊपर क्या ना, हम लोग कोई भी ब्लॉक प्लेस करते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल, वो ऐसे आधा हवा में लगता है. बट इसके अंदर देखो बिल्कुल एकदम इक्वल, बिल्कुल बराबर लगेगा, तो इसीलिए मैंने यही चुना है, ठीक है? बाकी हम लोग हटा देंगे, ज़्यादा स्पेस होगा साइडों में या पीछे तो हम लोग उसको हटा देंगे. ओके गाइस, तो यहाँ पे ये अपना लेआउट बन चुका है, पूरा एकदम कम्प्लीट हो चुका है. तो अब भी गाइस बारी है इसकी छत की, तो इसका मतलब छत नहीं, इसका फ्लोर बना देते फटाफट से. ओके, फ्लोरिंग भी अपनी हो चुकी है यहाँ पे. तो अब भी गाइस बारी है अपनी यहाँ पे स्टेयर्स वगैरह ये बना देते हैं,
जिससे हम लोग ऊपर नीचे जा सकें। तो स्टेयर्स बनाने के लिए यहाँ पे ये एंड यहाँ पर ये, ताकि लुक अच्छा आए गाइस। शाबाश बेटा, ये हो गई अपनी स्टेयर्स। यहाँ पे गाइस अभी हम लोगों को लगा देने हैं और ये प्लैंक्स जो अपने बचे हुए हैं स्टेयर्स मतलब स्लैब्स। अब भी गाइस यहाँ पे ना मेरे को पिलर्स बनाने हैं, 1, 2 एंड 3 एंड अगेन 1, 2 एंड 3 एंड यहाँ से वापस 1, 2 एंड 3 एंड सेम इसी के सामने मेरे को यहाँ पे लगा देना है एक और। ओके सही लगाया ना, सही है। अब इनको लेके जाना है 1, 2, 3, 1, 2, 3 सबको चार चार ब्लॉक ऊपर लेके जाना है। लेट्स गो, ये हो गया। अब भी गाइस ना सबसे डिफिकल्ट वाला काम है, इसके लिए मुझे काफ़ी सारी स्टेयर्स लगने वाली है। तो स्टेयर्स बना के लाते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो कुछ इस तरीके से अपना ये पिलर्स यहाँ पे दिखेंगे और यहाँ की छत की तुम लोग देख ही सकते हो कितना कूल लग रहा है ये, है ना। तो अभी यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से मुझे इसको 1, 2 इसको इस बार 3 ब्लॉक की हाइट पर लेके जाना है, 2। ओके, और अभी सेम ये का ये मेरे को वापस से इधर ही बनाना है, तो फटाफट से बना के मिलता हूँ। 15 minutes later ओके गाइस, तो अभी इतना काम हो चुका है। तो अभी क्या है ना, पंगा ये हो गया कि मुझे यहाँ पे एक ओक की जरूरत थी, मतलब ओक की सैपलिंग की, बट यहाँ पे मेरे पास ओक की एक भी नहीं है, सारी की सारी स्प्रूस की पड़ी हुई है। तो ये थोड़ा इशू हो गया, तो इसका मतलब मेरे को पूरा ही अभी इस स्प्रूस से बनाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर ओक का टेक्सचर होता ना तो काफ़ी मस्त लगता है। तो यहाँ पे बनेगी अपनी विंडो, छोटी वाली विंडो। ओके, सेम यहाँ पर भी अपनी यही एक विंडो बनेगी, क्योंकि गाइस घर में विंडो होना बहुत जरूरी है। सही पकड़े हैं। और यहाँ पे आएंगे अपने ये वाले ओक और इनको कर देना है स्ट्रिप, ठीक है ना, जिससे ये कुछ अलग टेक्सचर आ जाएगा इनका और काफी एपिक लगेगा यार देखने में, एकदम क्रीमी ब्राउनी टाइप लग रहा है। देखो कितना मस्त लग रहा है यहाँ पे। एंड अभी बारी है अपने यहाँ पे इसके गेट की। 10 seconds later अभी गाइस अपना मकान तो बन चुका है। ओके, ये अपना हाउस तो बन चुका है, बट अभी इसका इंटीरियर बाकी है, तो अभी मैं इंटीरियर कंप्लीट होने के बाद ही तुम लोगों से मिलता हूँ, ठीक है ना। ओके, तो गाइस अपना हाउस बन के यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे। एंड गाइस ये देखो कितना एपिक लग रहा है अपना हाउस यहाँ पे। ये अंदर की तरफ मैंने थोड़ा सा ही किया है डेकोरेट, ज़्यादा नहीं किया है, बाकी तुम लोग यहाँ पे देखो बाहर की तरफ। यहाँ पे कुछ खेती करने के लिए मैंने अपने यहाँ पे डर्ट को लगाया, बट फिर पता चला मेरे पास कुछ है ही नहीं उगाने के लिए, सो फिर मैं रुक गया। एंड यहाँ पे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है ना, वो है यहाँ पे लैंटर्न्स। लैंटर्न्स मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है सीरियसली, इसीलिए मेरे को यहाँ पे ये सड़ी हुई टॉर्चेस लगानी पड़ी यहाँ पे। बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, हम लोग कभी ना कभी प्रोग्रेस करेंगे। और यहाँ पर भी मैं अपनी खेती करने वाला हूँ काफ़ी बड़ी वाली, एंड यहाँ पर थोड़ा कमी पड़ गई थी डेट की, तो इसीलिए मैंने इसको यहीं पर रहने दिया। तो गाइज मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना तुम लोगों को ये मेरा हाउस कैसा लगा है। एंड यहाँ से सबसे एपिक चीज़ दिखती है वो ये अपनी फॉक्स लटकती हुई नीचे। भाई मेरे को इसी को देख रहा, भाई मैं इसको नहीं खोलने वाला, सीरियसली इसको बिल्कुल नहीं खोलने वाला तब तक जब तक मेरा गुस्सा शांत नहीं हो जाता। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इट मीन्स अ लॉट गाइस, तो बाय।